गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा मेथड लेके आया हूँ अर्निंग का। आपके पास कोई भी लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए का मोबाइल फोन है तो आप उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। और आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या फिर साइड इनकम देख रहे हैं, कहीं पर जॉब करते हो और एक कुछ इनकम जनरेट करना चाहते हैं अपने मोबाइल फोन से, तो आज आप इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको एक अर्निंग का मेथड बताने वाला हूं जिससे आप $10, ज्यादा नहीं मैं बोल रहा हूं, $10 आप आसानी से कमा सकते हैं। ठीक है, $10 का मतलब होता है कि 700-800 रुपए इंडियन रुपीस में, ठीक है, साइड में आप कमा सकते हैं आसानी से। आपको सिर्फ करना इतना है, जैसे कि आप यूज करते होंगे अपने मोबाइल फोन में व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी यूज करते हैं सभी चीज, तो आपको वहां पर शेयर वगैरह कुछ भी नहीं करना है। आप ध्यान से देखिए वीडियो, आपको नया मेथड एकदम बताऊंगा, अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया है। आप उसको यूज करते हैं, यूज करके कैसे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, आप वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा। देखने के बाद अगर आपको लगता है कि यूजफुल है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस साइड में मैंने क्रोम ओपन कर लिया, अपना गूगल ओपन कर लिया। गूगल में मुझे सर्च करना है एक वेबसाइट, बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट है, आप देखते जाइए वीडियो को। वीडियो गाइस ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं आपको अर्निंग प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ लाइव, ठीक है। और आपको इस वीडियो में बताऊंगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इस वेबसाइट के, तो वीडियो ध्यान से देखकर समझ लीजिएगा। बिना समझे आप मुझे कमेंट मत करिएगा कि मैंने आपके इस मेथड से पैसे नहीं कमाए, ठीक है। पहले समझ लीजिएगा ध्यान से, उसके बाद ही कमेंट करना कि मुझे अर्निंग नहीं हुई, ठीक है। पूरी वीडियो ध्यान से देखकर समझ लेना। तो यहां पर देखिए मैंने गूगल ओपन कर लिया, गूगल ओपन करने के बाद गाइज मुझे एक वेबसाइट ओपन कर लेना है जिसका नाम है कैप्टेरा। तो यहां पर मुझे सर्च करना है कैप्टेरा, देखिए यहां पर मैंने सर्च किया हुआ है, ये देखिए इसका नाम देख लीजिए आप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्पेलिंग कैप्टेरा करके, ठीक है। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो देखिए कैप्टेरा का स्पेलिंग आपको ऊपर दिख रहा होगा, इस पर नीचे वाली वेबसाइट पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद गाइज ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालकर साइन अप कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड दिखा रहा है, तो मेरा जो है ऑलरेडी लॉग इन है, इसलिए मेरा देखिए मेरा नाम प्रदीप शो कर रहा है, ठीक है। आप जब फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको यहाँ पर साइन अप कर लेना है, अपना ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद गाइज आपको एक मेल आ जाएगा, मेल वेरीफाई करा लीजिएगा, उसके बाद आपका भी लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। जब एक बार लॉगिन हो जाएगा तो आपके सामने भी कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब वीडियो बंद मत कर दीजिएगा ये कैप्टेरा वेबसाइट देखने के बाद, इसमें जो है मैं एक नया मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप काफी अच्छी अर्निंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर कुछ भी सेव करेंगे तो यहाँ पर आपको सेव में मिल जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा सॉफ्टवेयर यूज, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो दिख जाएगा। उसके बाद गाइज आप ब्राउज हिस्ट्री भी देख सकते हैं यहाँ से, और उसके बाद गाइज यहाँ पर माई रिव्यू दिखेगा, जो आप रिव्यू दिए हैं तो वो दिख जाएगा आपको यहाँ पर। उसके बाद गाइज माय रिवॉर्ड दिखेगा यहाँ पर, तो ध्यान से देखते जाइए, मैं आपको बताऊंगा करना क्या है आपको इस वेबसाइट में। तो यहाँ पर देखिए माय रिवॉर्ड मतलब माय अर्निंग हो गई है, जो आप इनकम करेंगे यहाँ पर आपका शो करेगा, ठीक है। आपने कितना जो है रिवॉर्ड्स जनरेट किया है, कितनी अर्निंग की है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी प्रोफाइल सेटिंग्स, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कुछ फीडबैक वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद गाइज आपको देखिए यहाँ पर 3 लाइन दिख रहा होगा, यहाँ पर ऊपर 3 लाइन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा राइट ए रिव्यू, नीचे सबसे नीचे वाला ऑप्शन, यहाँ पर इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद गाइज आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस पेज में आपको रिव्यू लिखना है। रिव्यू का मतलब यह है कि जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, टेलीग्राम, ट्विटर वगैरह जो भी यूज करते हैं, ठीक है, आपको उसका एक्सपीरियंस हो गया है, आपको उसका प्रो एंड कोस दोनों पता है, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही पता है, तो आप उसको आराम से रिव्यू दे सकते हैं। रिव्यू लिखकर आप $10 कमा सकते हैं, आपको एक रिव्यू के $10 मिलेंगे। अगर आप दिन भर में 5 रिव्यू दे देते हैं, आपका एक्सेप्ट हो जाता है, तो आप $50 आसानी से कमा सकते हैं। मैंने सिर्फ मिनिमम लेके चल रहा हूँ $10 एक रिव्यू के, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूं, सर्च करने के बाद मैं यहां पर आज रिव्यू देने वाला हूं काइंड मास्टर के बारे में, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूं तो मुझे काइंड मास्टर की जरूरत पड़ती है। मैं रोज वीडियो एडिट करता हूं तो मैं काइंड मास्टर में ही करता हूं, तो मुझे काफी एक्सपीरियंस है उसका, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस हो या ना हो, कॉपी पेस्ट मेथड भी आपको बताऊंगा, तो आप उस तरीके से भी काम करके पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैं सर्च कर लेता हूं पहले काइंड मास्टर, ठीक है, जिस पे आपको रिव्यू देना है उसका नाम पहले यहां पर सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं यहां पर सर्च कर लेता हूं काइंड, देखिए ठीक है, काइंड मास्टर, ठीक, यहां पर सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद देखिए आपको ऊपर मिल जाएगा वेबसाइट। उसके बाद गाइज आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, आपको यहां पर ऊपर दिख रहा होगा राइट ए रिव्यू फॉर काइंड मास्टर, ठीक है। तो यहां पर आपको अपना नेम डाल देना है, फर्स्ट नेम डाल देना है, जैसे कि मैं यहां पर डाल देता हूं प्रदीप, ठीक है, प्रदीप डाल दिया, ठीक। उसके बाद गाइज आपको यहां पर लास्ट नेम डाल देना है, जैसे कि मैं डाल देता हूं सोनी, ठीक है, यहां पर मैंने सोनी डाल दिया, ठीक।
उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल देना है और उसके बाद कंपनी नेम डाल देना है। कंपनी नेम जैसे कि मैं मान लीजिए लिख देता हूँ प्रदीप सोनी क्रिएटर, ठीक है, मेरे चैनल का ही नेम लिख देता हूँ प्रदीप सोनी क्रिएटर, ठीक। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ कंपनी साइज, तो यहाँ पर मैं इंडिविजुअल हूँ माई सेल्फ ऑनली कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आपको इंडस्ट्री का ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, जैसे कि मेरा टेक्नोलॉजी है तो मैं यहाँ पर इंटरनेट वगैरह या फिर ई लर्निंग कुछ भी सिलेक्ट कर देता हूँ, जैसे कि ई लर्निंग कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको जॉब फंक्शंस दिख जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आप किससे रिलेटेड हो सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आपसे रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलता है तो अदर पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जॉब टाइटल डाल देना है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ जैसे कि मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। मैं अपने चैनल पर गाइज जो सिखाता हूँ वही चीज मैंने यहाँ पर डाल दिया मेक मनी ऑनलाइन, तो आप जो है अपने तरीके से थोड़ा फिलअप कर लेना, ठीक है। आपको जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से इसको फिल करना, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग यू हैव यूज्ड काइन मास्टर, तो यहाँ पर आप जैसे कि डाल सकते हैं लेस देन 6 मंथ, जितना भी आपको एक्सपीरियंस है वहां पर आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर सिलेक्ट एन ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख जाएगा डेली यूज करते हैं, जी हाँ डेली यूज करता हूँ। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इंटर कैटेगरी नेम और सिलेक्ट फ्रॉम मोस्ट, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद वीडियो एडिटिंग पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद फिर से क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर वीडियो मेकिंग पे भी क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर व्हाट इज योर रोल इन यूजिंग काइन मास्टर, आई एम ए यूजर पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर ईमेल मांग रहा है, मैंने अभी नहीं डाला है, ठीक है, मैं ईमेल डाल देता हूँ पहले। ईमेल आईडी डालने के बाद गाइज आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पर आप 5 स्टार सभी पर दे दीजिए, ठीक है। 5 स्टार रेटिंग आप यहां पर सभी पर दे दीजिए, 4 भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वीडियो एडिटिंग यहां पर भी 5 स्टार दे दीजिए, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो मुझे बताना है कि हाँ ये अच्छा है, बेस्ट है, ठीक है। और अगर नहीं है तो वहां पर आप कम भी दे सकते हैं। तो रेटिंग जो है गाइज आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसे आपका यूजर एक्सपीरियंस है तो उस हिसाब से आप रेटिंग दे सकते हैं। और अगर आप नहीं भी यूज किए हैं तो कोई बात नहीं, आप जो है कम ज़्यादा भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिख रहा है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर हाई सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद व्हाट डू यू लाइक अबाउट वीडियो एडिटिंग इन काइन मास्टर, तो यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल टू यूज, ठीक है, यहाँ पर सिंपल टू यूज, ठीक, यहाँ पर मैंने लिख दिया। मिनिमम देखिए 20 कैरेक्टर्स लिखने हैं, सिंपल टू यूज, वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक, यहाँ पर हो गया 20, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद फीचर नेम यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग दे देता हूँ। इंपॉर्टेंस जैसे कि हाई कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद फीचर नेम यहाँ पर भी दे देता हूँ, एनिमेशन एंड ट्रांसलेशन 5 स्टार दे दिया, ठीक है, यहाँ पर भी आप दे दीजिए हाई। ऐसे आप देते हुए सभी पर रेटिंग देते जाइए, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। एक बार सभी ऑप्शन पर गाइज रेटिंग वगैरह देने के बाद, उसके बाद जब आप नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा हाउ डज द प्राइसिंग फॉर काइन मास्टर कंपेयर टू सिमिलर प्रोडक्ट, तो यहाँ पर देखिए मिड टायर, ठीक है, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि आप अपने फ्रेंड को कितना रिकमेंड करना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 5 नेचुरल, ठीक है, यहाँ पर डाल दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। आपको जो भी एप्लीकेशन के बारे में दे रहे हैं तो अच्छे से सब फुलफिल कर लीजिएगा, ध्यान से सब कुछ फिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टाइटल और रिव्यू, आपके रिव्यू का टाइटल दे दीजिए यहाँ पर, जैसे कि मैं डाल देता हूँ यहाँ पर काइन मास्टर रिव्यू, ठीक है, काइन मास्टर रिव्यू। फिर गाइज आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं पोज एंड कोज लिखना है यहाँ पर, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने काइन मास्टर के, तो यहाँ पर एडवांटेज लिखना है, नीचे डिसएडवांटेज क्या है। आप अपने तरीके से गाइज अच्छे से यहाँ पर लिख भी सकते हैं, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको जाना है चैट जीपीटी में, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ चैट जीपीटी ओपन करने के बाद आपको क्या करना है। चैट जीपीटी में आने के बाद गाइज आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा चैट जीपीटी, देखिए मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आप वहाँ पर लॉग इन वगैरह कर लीजिएगा, सिंपल है। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखिए टाइप कर दीजिए 5 एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज, ठीक है, काइन मास्टर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद गाइज देखिए सारा कुछ जो है चैट जीपीटी यहाँ पर लिख देगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल कॉपी करना है और वहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसने रिव्यू सब कुछ लिख दिया है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। आपने क्या किया, सिंपल खाली काइन मास्टर में लिख दिया 5 एडवांटेज काइन मास्टर, ठीक है। और इसी तरीके से आप डिसएडवांटेज भी लिख दीजिएगा 5 डिसएडवांटेज काइन मास्टर, तो यहां पर सब कुछ लिख कर दे देगा। उसके बाद आपको कॉपी करके वहां पर एक एक करके पेस्ट कर देना है, ठीक है, देखते जाइए कैसे। यहां से जैसे मैंने 1 से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद गाइज आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको आना है फिर से वही वेबसाइट में आ जाना है जहां पर आप काम कर रहे थे, ठीक है। यहां पर देखिए एडवांटेज मैंने सर्च किया है, तो यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, उसी के साथ
अब आपको क्या करना है, डिसएडवांटेज वहां से कॉपी कर लेना है ऐसे ही चैट जीपीटी से और यहां पर नीचे डाल देना है, ठीक है। और गाइज बहुत लोग कमेंट करेंगे कि सर चैट जीपीटी से कॉपी किया हुआ नहीं चलेगा, तो मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी भी मैं आपको बता दे रहा हूं, आप अपने तरीके से उसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे लिख लीजिएगा कि अगर आप यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप या फेसबुक, कुछ भी यूज कर रहे हैं, उसका रिव्यू दे रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि उसके एडवांटेज क्या है, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, ठीक है। आपको वही चीज लिख देना है, इंग्लिश में लिखिएगा, ठीक है। वही लिखने के बाद गाइज अब देखिए यहां पर आपने पोज एंड कोज दोनों लिख दिया, उसके बाद गाइज आपको डिस्क्राइब योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद काइनमास्टर नीचे यहां पर, ये ऑप्शनल है, आप अगर आप नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं। उसके बाद गाइज देखिए यहां पर दिखा रहा है डिड यू स्विच फ्रॉम अनदर प्रोडक्ट, तो उसके बाद नो कर दीजिए, यहां पर भी नो कर दीजिए, उसके बाद यहां पर एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करने के बाद गाइज यहां पर सबमिट पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देखिए मैंने यहां पर अभी नहीं लिखा है, मैं आपको समझा रहा हूं, सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका रिव्यू जो है सबमिट हो जाएगा, ठीक है। सबमिट होने के बाद गाइज आप ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात, सबमिट करने के बाद गाइज यहां पे 10 से 15 दिन लग जाते हैं एक्सेप्ट होने में, क्योंकि यहां पर पूरे वर्ल्ड से काफी लोग जो है रिव्यू देते हैं, तो सभी का चेक करने में समय लग जाता है, तो 10 से 15 दिन लग जाएंगे आपका रिव्यू सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप डेली एक से दो रिव्यू दे सकते हैं, आपका एक्सेप्ट होता है तो आपको जो है रिवॉर्ड्स मिलते हैं। रिवॉर्ड्स जो है गाइज आपको $10 के मिनिमम मिल जाते हैं यहां पर, और मैक्सिमम भी मिल सकते हैं $20-30 भी, ठीक है। जैसा आपका रिव्यू होगा उसी के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं, तो आपको गाइज जो है मेल आ जाएगा, मेल आने के बाद आप वहां पर देख सकते हैं आपको रिवॉर्ड मिल गया है। अब देखिए गाइज आ जाती है अर्निंग प्रूफ की बात, आप यहां पर देख सकते हैं साइड में मैंने YouTube ओपन कर लिया है। YouTube ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है कैप्टेरा अर्निंग प्रूफ, तो यहां पर बहुत सारे ब्रदर ने जो है वीडियोस बनाई हुई हैं, जिनकी मैंने वीडियो देखने के बाद तब ये वीडियो शूट कर रहा हूं, क्योंकि गाइज ऑलरेडी मैं बहुत तरीके से अर्निंग करता हूं, मैं सभी अर्निंग खुद अकेले ही नहीं कर सकता हूं, मैं आपको यहां पर सिखाता हूं, ठीक है। एक वीडियो बनाने में मुझे 2 से 3 दिन लगते हैं, मैं एकदम अच्छे से वेरीफाई चेक वगैरह करने के बाद तब वीडियो बनाता हूं, तो ये जो ब्रदर लोग हैं ये सही वीडियो बनाए हैं, ये जो है अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। और गाइज मैं आपको बता देता हूं इस वेबसाइट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो मैं आपको बता दूं शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर अर्निंग करना तो बहुत सही है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अर्निंग करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट मेरे लिए सही नहीं लग रहा है। और आप अगर शॉर्ट टाइम में करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत इनकम करना चाहते हैं, जैसे कि पार्ट टाइम अगर आप फ्री आप बैठे हैं, थोड़ा बहुत 1 घंटे 2 घंटे काम करके रिव्यू देकर पैसे कमाना चाहते हैं, तो आराम से ऐसे आप रिव्यू देकर पैसे कमा सकते हैं, अर्निंग होती है, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूं, $10-$20 आप आसानी से कमा सकते हैं। गाइस अगर आप मेरे नए व्यूअर्स हैं तो यहां पर मैं इसी तरीके से सिखाता हूं कि कैसे आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, जो फैक्ट होता है वो फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं, झूठी बातें नहीं बताता हूं, अगर आपको फायदे हैं तो बताऊंगा, नुकसान भी है तो भी बताऊंगा आपको। तो अगर आप चैनल पर नए हैं गाइस तो ये वाली वीडियोस देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखा है, इसमें मैंने बहुत ही अच्छा अर्निंग का मेथड बताया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।